एपीजे स्कूल चरखी दादरी से मैं आपका फाइन आर्ट्स टीचर सतवीर बोल रहा हूँ। आज हम एक एलिफेंट बना रहे हैं, बहुत सिंपल ड्राइंग जो मैंने आपके सामने कर रखी है, बहुत सिंपल ड्राइंग है। सिर्फ हमने एलिफेंट का फेस बनाया है। हम इसे ब्लो पेंटिंग की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है पोस्टर कलर और कलर प्लेट, ब्रश, एक स्ट्रो। ब्लो पेंटिंग आपने पहले बहुत बार की है, बहुत इजी होती है, आप जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कलर स्टार्ट करते हैं। हम पोस्टर कलर ले रहे हैं, आप वाटर कलर ले सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है। वाटर कलर है, पोस्टर कलर है, फैब्रिक कलर है, एक्राइलिक कलर है, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। उसके बाद इसको काफी पतला करेंगे, बहुत इजी है। जो कलर आपका मन करे वो कलर हम एलिफेंट के फेस के पास डाल रहे हैं। ये हमने येलो कलर डाला है, थोड़ा सा पतला कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद जो आपको मालूम है, हम स्ट्रो लेंगे और इसको फैला देंगे। ये हमने स्ट्रो से फैला दिया। अब हम और ले रहे हैं यही कलर, सारे कलर हमारे इसके फेस के साथ जो इसकी सूंड है इसके पास से स्टार्ट होंगे। ये हमने एक कलर कर दिया। अब हम दूसरा कलर लेंगे जो आपको पसंद है। ये हमारा येलो थोड़ा सा लाइट है, आप थोड़े से डार्क कलर लेंगे धीरे धीरे। अभी हमने ऑरेंज लिया है और ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे ताकि हम ब्लो करें तो आराम से हो जाए। अब हम फिर वही टेक्निक, बार बार हम इसको रिपीट करेंगे। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इसी चीज को। ऐसे ही हम अपने कलर्स को लेते जाएंगे और रिपीट करते जाएंगे। पेशेंस बना के रखना है, थोड़ा सा टाइम लगाना है, जल्दी नहीं करनी है। ये होता जा रहा है, जहां आपको कलर और मिक्स करने हैं, जैसे ये हमारा खाली एरिया है तो हम इसमें भी अपने ये कलर डाल सकते हैं, कोई भी कलर। अब हो गया, अब हम कलर चेंज कर रहे हैं। इधर हम थोड़ा सा ब्लू कलर ले रहे हैं, ये हमने ब्लू कलर भी ले लिया है। पहले वाले कलर को सूखने देंगे, उसके बाद हम दूसरा कलर यूज करेंगे। एक कलर जब सूख जाएगा तो हम दूसरा कलर यूज कर लेंगे, एक साथ यूज करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। और ये हमें एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, ऐसे ही आप करते जाएंगे बहुत सारे कलर्स। मैंने किया
किया है उससे भी ज्यादा कलर आप यूज करेंगे। बहुत इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगाना है। ये हम बहुत सारे कलर डाल रहे हैं यहाँ पे। और ये हमें इसी डायरेक्शन में डालने हैं, क्योंकि जब ये इससे हवा को फेंक रहा है तो ये सारे कलर आ रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, और जो बनाने वाला काम है वो चाहे बाद में कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कुछ और कलर ले रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रुकना नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस से, ये हमने अब थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दिया है। और अब इसको हम ग्लो करेंगे। ये देखिए हमारे काफी कलर हो गए हैं। अगर आपके पास और बचे हुए हैं तो इनको सूखने से अच्छा है और डाल देते हैं। ये मैं यहाँ इस साइड और डाल रहा हूँ, थोड़ा डार्क हो जाएगा, बाकी काफी हो गया है। अब इसको फिर ग्लो करते हैं। ये देखिए ये हमारा एलिफेंट कलर्स को ब्लो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, ठीक है, काफी कलर्स बन गए हैं। अब हमें करना है अपना एलिफेंट। अभी हमारा एलिफेंट बनना बाकी है, अब हम एलिफेंट बनाएंगे। उसके लिए हमने ब्लैक कलर लिया है, बहुत सिंपल है। अब ब्लैक कलर को हमने अपनी कलर प्लेट में डाल दिया है इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत इजी पेंटिंग है। अब हम एलिफेंट को ये कलर कर रहे हैं, ये हम डार्क कलर करेंगे, ब्लैक करना जरूरी नहीं है, आप कोई भी कलर कर सकते हैं। मैंने ब्लैक किया है कंट्रास्ट के लिए, आपकी फॉर्म क्लियर दिखाई देगी। ब्लैक करना जरूरी नहीं है, जरूरी कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ जरूरी है ग्लो पेंटिंग बनानी, उसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटलाइन कर ली हमने, ये हमारा एलिफेंट है, बहुत सिंपल है, इजी है। और आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे, और टाइम बिल्कुल नहीं लगना है, मैक्सिमम 15 मिनट 20 मिनट बस, तो आप ये सब बना पाएंगे बहुत इजीली। ये देखिएगा, ये आपका एलिफेंट बन गया है। अब आप चाहें
तो बैकग्राउंड में कुछ बना सकते हैं। वैसे खाली बैकग्राउंड भी अच्छी लग रही है, लेकिन आपका मन है तो कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्ट्रो में कलर ले लिया, ऐसे हमने स्ट्रॉ से कर दिया, हाँ, या और कोई आपने टेक्चर देना है तो और कोई दे दो, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ये हम वैसे ही आपको बता रहे हैं, कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको खाली स्पेस अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है तो ये कुछ चीजें कर सकते हैं आप। इजी था वैसे तो, इसमें कोई ड्राइंग वाली बड़ी बात है नहीं, बहुत सिंपल है, सिर्फ आइडिया है। और अगर आपको और कुछ बनाना है ब्लो पेंटिंग से तो और कुछ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी है। ये हो गया हमारी ब्लो पेंटिंग रेडी। तो स्टूडेंट्स थैंक यू।